Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in this lecture, we will check that where the quadratic equations are applicable. ठीक है, तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं एक real life problem ही consider करते हैं. ठीक है, that is the length of rectangle is 4 centimeter. More than its breadth. ठीक है, और साथ ही कंडीशन है इफ द एरिया इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, इट इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड इट्स साइड्स. आपने ना उस रेक्टेंगल की साइड्स फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अगर आपने साइड्स फाइंड आउट करनी है तो बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेते हैं, उसकी लेंथ को एक्स और विड्थ को वाई लेट कर लेते हैं. ठीक है, ताकि हमारे लिए भी जरा आसानी हो जाए. अब हम देखते हैं यहाँ पे भी ना लेट कर लेते हैं कि जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ना उसको हमने एक्स कह दिया और जो ब्रेथ है उसको विड्थ भी कहते होते हैं. ठीक है, तो वो वाई के इक्वल है. अब देखिए, अगर हमने यहाँ पे दो कंडीशंस ली है ना एक्स और वाई, तो कंफर्म है कि यहाँ पे दो कंडीशंस ही आनी चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, अगर फर्स्ट गिवन कंडीशन पे मूव करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे क्लियर है कि लेंथ इज 4 times मोर देन इट्स विड्थ. ठीक है, तो विड्थ बेसिकली एक्स है. ठीक है, तो लेंथ क्या है, वाई. y is basically length is x. ठीक है, length is basically 4 times its width, तो x is equal to 4 plus y लिख लें. ठीक है, क्योंकि y आपने width को कहा है, ये एक equation है, but इसको हमें arrange करना है, x minus y equal to 4 आ रहा है, तो इसको अब आप 1 mark कर दें. अब आपको जो second condition given है ना, उसको भी यहाँ mention कर लेते हैं. According to second condition, area equals 45. ठीक है, अब एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ. लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करें, द आंसर विल बी 45. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका प्रोडक्ट जो है ना वो 45 के इक्वल आ रहा है. तो आपने क्या करना है, बेसिकली जो दो इक्वेशंस गिवन है उनको सिंप्लीफाई करना है. पहले इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस वाई इक्वल्स 4. ठीक है, x is length and y is width. ठीक है, तो बेसिकली लेंथ और विड्थ में यही रिलेशन था कि विड्थ का विड्थ में आप 4 ऐड करें तो लेंथ की इक्वल है. ठीक है, और दूसरी इक्वेशन को भी हम लिख लेते हैं x y equals 5. ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें द इक्वेशंस आर. ठीक है, और अब ना इनको बेशक आप 3, 4 का नाम देना चाहते हैं तभी ठीक है, मैंने न्यू स्लाइड पे इसलिए लिखी है ताकि हमारे सामने इक्वेशंस हो, हम उनको इजीली सॉल्व कर सके. अब आपने जितने भी मैथमेटिकल रूल्स डिस्कस किए ना, उन रूल्स में से बेसिकली कोई सी भी टेक्निक यूज करनी है यहाँ पे, तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी टेक्निक यूज करें. जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, दोनों में से चेक करती हूँ, किसी एक से इक्वेशन निकाल के दूसरे वे पुट करते हैं. ठीक है, फ्रॉम 1, अगर आप 1 से वैल्यू निकालते हैं ना, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 mark किया है. फ्रॉम 3, x माइनस वाई अगर 4 की इक्वल है ना, आप ऐसे करें यहाँ पे x वेरिएबल को आइसोलेट कर लें. ठीक है, मीन्स x की वैल्यू आपने निकाल ली है, और पुट कर लें, पुट वैल्यू ऑफ x इन 4. ठीक है, 4 में पुट करने से क्या फायदा होगा, x की जगह आप यहाँ पे y प्लस 4 या 4 प्लस y पुट कर दें तो आंसर 45 के इक्वल है. अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y² into y² ठीक है ना, यहाँ पे y आएगा बिकॉज 4 को y से जस्ट मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 45 आ रहा है. अब आप इसको अरेंज भी कर लें एक ही स्टेप में और इसको देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 45 बाई एड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए, तो 9 5 45 होता है. इट मीन्स हम 9 और -5 ले सकते हैं. ठीक है, जब आप ये वैल्यूज कंसीडर करेंगे ना, तो यू कैन सी हेयर के एड या सब्ट्रैक्ट करने से मिड टर्म आ रही है और वैसे
लास्ट टर्म प्रोडक्ट से आ रही है, ठीक है। तो ये दो आपके पास y की वैल्यूज आ रही हैं। एक y की वैल्यू आपको मिल रही है 5, ठीक है, मीन्स हम y माइनस 5 और y प्लस 9 इक्वल टू 0 पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। आप ऐसा करें कि y माइनस 5 को पहले 0 कर लें और उसके बाद फिर आप y प्लस 9 को 0 के इक्वल कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें y की वैल्यू 5 आ रही है, और जब आप y प्लस 9 को 0 के इक्वल करेंगे ना, तो जो y की वैल्यू आपको मिलेगी वो माइनस 9 के इक्वल होगी, ठीक है। अगर वो माइनस 9 के इक्वल आ रही है ना, तो देखिए लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं आपने उनको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे जो माइनस 9 वैल्यू आ रही है ना, उसको आपने इग्नोर करना है, ठीक है। इग्नोर नेगेटिव वैल्यू, अगर नेगेटिव वैल्यू को आप इग्नोर करते हैं तो y की वैल्यू आपको 5 मिल गई है, बट आपने अभी x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू आपने निकालनी है तो पुट y इक्वल्स 5 इन 3, 3 में पुट कर दें। 3 इक्वेशन थी x माइनस y इक्वल्स 4, ठीक है। अब आप x माइनस वाई, वाई की वैल्यू 5 ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स 4 प्लस 5 आ रहा है, 4 प्लस 5 को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने तो लेंथ और विड्थ का बताना था ना, हेंस अगर हम सिर्फ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देखें ना, तो उस लेंथ को हमने एक्स लेट किया था, ठीक है। तो जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो 9 के इक्वल आ रही है, और साथ आप सेंटीमीटर या मीटर जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपने वही डायमेंशन पुट कर देनी है, ठीक है। फिर आपने ब्रेथ निकालना था, तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को आपने वाई लेट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर मिल रही है, ठीक है। लेट मी चेक, हमने 4 ही निकाली है, y की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे आपको आ रही है। अब ना आपने ना ये वाली वैल्यूज पुट भी करनी है कहीं ना कहीं, बेसिकली पुट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि पहली इक्वेशन जैसे ले लें x माइनस वाई इक्वल्स 4 ले लें, तो आप खुद देख लें कि यहाँ पे 9 आंसर आ रहा है x का और y का 4 आंसर आ रहा है, ठीक है। दोनों को y का 5 आंसर आ रहा है, दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और फिर आप देखें कंडीशन भी आपको यही गिवन थी, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 प्लस 4 सेपरेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये देखें कि विड्थ में 4 ऐड करने से लेंथ बन रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली कंडीशंस भी एट द एंड ट्रू होनी चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन होगी।